हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर SS कॉन्वेंट स्कूल से। ओके बेटा, चलिए आपके जो फर्स्ट चैप्टर है आपका चींटी, उसका जो हम लोग एक्सरसाइज हैं भाषा व्याकरण, उसका हम लोग ग वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, ग वाला पार्ट बाकी था वो हम आपको करवा रहे हैं बेटा। ठीक है, और ध्यान से आप लोग देखिए, और जितना हम करा रहे हैं बेटा उतना आपकी फेयर कॉपी में हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए वाक्य वचन की दृष्टि से अशुद्ध हैं, इन्हें शुद्ध करके लिखिए। ये जो वाक्य दिए गए हैं ये वचन की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध हैं। ठीक है, इनको क्या करके लिखना है, शुद्ध करके लिखना है। पहला है जैसे, यह दूध 5 बालक के लिए है, तो यह दूध 5 बालक नहीं, यह दूध 5 बालकों के लिए है। क्या होगा, यह दूध 5 बालकों के लिए है। ठीक है, फिर है, प्रत्येक बालकों को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। प्रत्येक बालकों को नहीं बेटा, प्रत्येक बालक को, प्रत्येक तो बोल दिया गया ना, प्रत्येक बालक को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे है, मेरा पिता अभी नहीं आया, मेरा पिता अभी नहीं आया, मेरे पिता अभी नहीं आए। क्या आएगा, मेरे पिता अभी नहीं आए। ठीक है बेटा, उसके बाद है, मैंने महात्मा का दर्शन किया, मैंने महात्मा के दर्शन किए। क्या होगा, मैंने महात्मा के दर्शन किए। ठीक है बेटा, फिर है आगे देखिए, श्रोता गणों को चुपचाप बैठना चाहिए, श्रोता गणों को चुपचाप बैठना चाहिए, श्रोता गण को चुपचाप बैठना चाहिए। ये हमारे अशुद्ध वाक्य हैं, ये हमारे शुद्ध वाक्य हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए, आप लोग देख रहे हो, ये आपके लिए मैंने पेंसिल से लिख दिया है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जितना भी आप लोग कर रहे हो। ठीक है ना बेटा, और ये चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, तो पूरा एक्सरसाइज अच्छे से साफ सुथरा ढंग से आप लोग करोगे। ठीक है, जितना भी मैंने कराया है। एक लास्ट क्वेश्चन बेटा दिया गया, योग्यता विस्तार दिया गया है कि आपने चींटी और हाथी की कहानी अवश्य सुनी होगी, यदि नहीं तो नहीं सुनी हो तो अपने शिक्षक या अभिभावक से सुनिए और कहानी का सारांश लिखिए। ये आपके लिए एक होमवर्क है। ओके बेटा, दैट इज़ योर होमवर्क। इसमें आप हाथी और चींटी की कहानी अपने घर में कहीं से भी, आप अपने दादा दादी नाना नानी, है ना, अभी तो आप उन्हीं के पास होंगे, है ना, तो उनसे सुनिए और उनसे आपको क्या सीख मिलती है उस चीज़ से, वो आपको लिखना है, वो आपका होमवर्क है। ओके, ये मेरी तरफ से होमवर्क है, हाथी और चींटी का सारांश आपको लिखना है। 5th क्लास के बच्चों, ये आपको होमवर्क है। ओके, और आप सारांश लिख के उसका मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ओके, क्या करोगे, व्हाट्सएप करोगे, होमवर्क भेजोगे आप। ओके, और जितना मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है बेटा, शब्दार्थ क्वेश्चन आंसर जितना भी मैंने पढ़ाया है, जिस प्रकार से मैंने कराया है उसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा, नहीं तो बेटा समझते हो ना पनिशमेंट कैसी दूंगी मैं। ठीक है, और डेली एक एक पेज हिंदी राइटिंग आपको लिखना ही है। ठीक है, ये आपका डेली का होमवर्क है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है हिंदी का कंप्लीट है, और ये चैप्टर आप लोग फेयर वर्क कंप्लीट कीजिएगा इस चैप्टर का। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।